मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार फायर ब्रिगेड सेवा में राज्य के फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए 34 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नीतीश कुमार ने कहा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अलग अलग जगहों पर तैनात की जाएगी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन आग पर जल्द काबू पाने में मदद करेंगे। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, महागठबंधन इस बार खाता तक नहीं खोल पाएंगे और 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए बिहार में जीतेगी। साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए कहा, विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है। अगर विपक्ष चाहे तो आज चर्चा शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष भी मामले को सुलझाना चाहता है। महागठबंधन इस बार संभवतः अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक अपनी एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग है, उनको जिस गठबंधन में वो रहते हैं उस गठबंधन में उनको लेकर जिस तरीके से नेगेटिव वोटिंग होती है, ना सिर्फ ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है बल्कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और जिस तरीके से एनडीए जो एकजुट होकर पुनः बिहार में आया है, ये इतना बड़ा जनाधार है कि 40 की 40 सीटें इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बीजेपी नेता विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि उनकी मौत लाठी चार्ज में नहीं हुई थी बल्कि हार्ट अटैक के कारण हुई थी। 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान जहानाबाद से बीजेपी के महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने पुलिस के लाठीचार्ज से विजय सिंह की मौत का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता विजय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विजय सिंह की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सरकार ने मामले में लीपापोती की है। सरकार पहले जो बोली थी वही रिपोर्ट में है। साथ ही सम्राट चौधरी ने इस मामले की वीडियोग्राफी सार्वजनिक करने के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स को सौंपने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्यता रद्द होने के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पुर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, तब तक गुजरात हाईकोर्ट का ही फैसला लागू रहेगा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि हम तो चाहते हैं नीतीश जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता बड़ा बने। साथ ही उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना। नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य है, सभी पार्टियों को एक करना और एनडीए को देश से हटाना। नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, न मेरी कोई इच्छा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़े गठबंधन को बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम ये बात 100 बार कह चुकी है। इसीलिए न नेता को कन्वेनर बनने की इच्छा है, न देश में देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। वो एक भूमिका में है, उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। जमुई के सरकारी स्कूल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, जहां स्कूल के प्रिंसिपल ने एक छात्र की टीसी में जन्म तारीख 30 फरवरी लिख दी, जिसके बाद टीसी पर गलत जन्मतिथि होने की वजह से 8वीं पास करने के बाद भी छात्र का दाखिला 9वीं में नहीं हो पा रहा है। पीड़ित छात्र की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। मामला सुनने के बाद डीईओ ने हेडमास्टर को फोन करके फटकार लगाई और छात्र को नया टीसी देने का आदेश दिया। साथ ही हेडमास्टर को डीईओ ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। भारत नेपाल की पानी टंकी सीमा से एसएसबी के जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पास से भारतीय करेंसी में 6,330 रुपए और नेपाली करेंसी में 46,860 रुपए भी जब्त किए गए। 26,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर निकले विज्ञापन पर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि पारा शिक्षकों को नियमित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि सम्मानजनक सेवा के साथ वेतन की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन उसके लिए कौन सी नियोजन नीति पर 26,000 शिक्षकों को बहाल करेंगे।